अमृता कौर, एक ऐसी खूबसूरत लड़की जिसके बचपन में ही माँ का साया सर से उठ गया था। 31 अगस्त 1929 को पाकिस्तान में जन्मी अमृता का परिवार बंटवारे के बाद दिल्ली आ गया। 16 साल की उम्र में अमृता कौर की शादी एक बिजनेसमैन प्रीतम सिंह से हो गई थी। शादी के बाद अमृता कौर अब अमृता प्रीतम बन चुकी थी। साहित्य में खास लगाव होने की वजह से अमृता धीरे धीरे शब्दों से खेलने लगी थी। शादीशुदा होने के बावजूद अमृता प्रीतम ने हिंदी सिनेमा के मशहूर गीतकार शायर साहिल लुधियानवी से बेपनाह मोहब्बत करने का जोखिम उठाया, जिससे उनकी निजी जिंदगी में परेशानियां बढ़ने लगी थीं। इन्हीं परेशानियों को दूर करने के लिए अमृता ने 1960 में अपने पति का साथ छोड़ दिया। हालांकि पति के साथ बीते 25 सालों में वो दो बच्चों की माँ भी बन चुकी थी, लेकिन साहिर के प्रति उनका लगाव कभी कम नहीं हुआ था। कुछ लोगों का कहना है कि अमृता का प्यार एक तरफा था, साहिर ने अमृता को कभी दिल से चाह ही नहीं था। पर कुछ लोग ये भी मानते हैं कि साहिर के गीत अमृता प्रीतम की मोहब्बत में ही लिखे गए। इस बीच साहिर की जिंदगी में एक और महिला ने एंट्री की, नाम था सुधा मल्होत्रा, लेकिन गायिका सुधा मल्होत्रा भी साहिर को पा नहीं सकी। साहिर और सुधा के प्यार की खबरों से अमृता प्रीतम का दिल टूट गया। साहिर के बाद अमृता की जिंदगी में चित्रकार इमरोज ने भी एंट्री की, लेकिन इमरोज ने कभी भी अमृता से अपने प्यार का इजहार नहीं किया, क्योंकि वो जानते थे कि अमृता का दिल तो सिर्फ साहिर के लिए ही धड़कता है। 1980 में दिल का दौरा पड़ने से साहिर लुधियानवी की मौत के बाद अमृता ने तन्हा ही अपनी बची जिंदगी गुजार दी। हालांकि अमृता इमरोज के साथ कई सालों तक रहीं, लेकिन अलग अलग। 31 अक्टूबर 2005 में अमृता ने भी इस दुनिया को अलविदा कह दिया, और इस तरह से एक प्यार की कहानी अधूरी रह गई। हालांकि समय समय पर बॉलीवुड ने यह कोशिश भी की है कि अमृता और साहिल लुधियानवी के प्यार को लेकर एक फिल्म बनाई जाए, लेकिन बॉलीवुड का यह सपना अभी तक पूरा नहीं हो पाया है।